अमेरिकी हथियारों को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को मिलियन डॉलर की नई सैन्य मदद देगा अमेरिका। अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को सबसे ज्यादा सैन्य सहायता। लास्ट लाइन, अमेरिका ने 24 जनवरी से 5 अक्टूबर तक खर्च किए $17.5 बिलियन। क्या यूक्रेन में निर्णायक जीत के लिए अमेरिका ने अपने हथियारों का जखीरा खोल दिया है? क्या अमेरिका रूस से निपटने के लिए हथियारों की नई होड़ शुरू करने वाला है? क्या अमेरिका के हथियार एक बार फिर पुतिन को विध्वंसक फैसला लेने के लिए मजबूर करेंगे? ये वो सवाल है जो यूक्रेन वॉर के 7 महीने बाद पूछे जा रहे हैं। यूक्रेन वॉर में रूस के मिसकैलकुलेशन और कई फैसलों ने दुनिया को ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दिया है जहां पल पल खतरा बढ़ रहा है, खासतौर से तब जब सुपर पावर चिंतित है कि अगर रूस ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसका मुकाबला कैसे होगा। ऐसे वक्त में वॉशिंगटन डीसी से बड़ी खबर सामने आई है। ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करते हुए ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन के लिए सैन्य मदद का बड़ा ऐलान कर दिया है। अब अमेरिका यूक्रेन को $625 मिलियन की सैन्य मदद देगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन ने कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका सैन्य सहायता की कुल लागत $17.5 बिलियन से अधिक हो गई है। इस सैन्य मदद में हथियारों के साथ ही आर्टिलरी सिस्टम, हाइमर्स, गोला बारूद और बख्तरबंद वाहन भी शामिल हैं। आर्मी के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है। जरा सोचिए, जब यूक्रेन के साथ जंग में रूस की हालत बेहद खराब हो चुकी है, यूक्रेन रूस पर पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है, रूसी फौज पीछे हट रही है, अमेरिकी हाइमर्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स इस युद्ध में गेम चेंजर बन चुके हैं, जिनकी मदद से यूक्रेनी फौज रूसी हथियारों को तबाह कर रही है। एक बार फिर जैसे जैसे अमेरिकी हथियार यूक्रेन पहुंचेंगे, जंग आगे बढ़ रही है, रूस की सैन्य ताकत धीरे धीरे और कमजोर पड़ेगी, जो पुतिन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब तो पुतिन अपने ही मुल्क में कमजोर पड़ने लगे हैं। ऐसे में अमेरिकी हथियार विनाशक युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकते हैं। पिछले 7 महीने में ये थर्ड राउंड ऑफ वेपन डिलीवरी है और एनेक्सेशन के बाद पहली बार। अब तक अमेरिका कुल 22 बार घातक हथियारों की खेप यूक्रेन को भेज चुका है, जिसके दम पर यूक्रेन कई इलाकों से रूसी सैनिकों को खदेड़ने में लगा है। इस बार भी यूक्रेन भेजे जा रहे घातक हथियारों की लिस्ट बहुत लंबी है। यह लिस्ट दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं बहुत क्विकली, इसके बाद 2 खबरें और मैं आपको दिखाऊंगा, इटली की भी और नॉर्वे की भी, बहुत क्विकली। आई स्टैंड करेक्टेड। यूएस का नया डिफेंस पैकेज, पुतिन को भारी टेंशन। ध्यान से देखिए, 4 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, नंबर 1, 16 155 mm हॉटजियर तोप, 12 105 mm हॉटजियर तोप, सारी हॉटजियर आर्टलरी है, सीधे रशिया के ऑक्यूपाइड एरिया को हिट करेगी, 1000 रिमोट एंटी आर्मर माइन सिस्टम रैम, 30,000 मोर्टार राउंड, 30,000, 75,000 155 mm आर्टलरी राउंड, 2,00,000 स्मॉल आर्म्ड एम्युनिशन। सोचिए जरा।